तो सिंपलिसिटी के लिए रॉड का मास और बॉल का मास सेम रखा गया है। मुद्दा है कि हम लोग कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई इक्वल टू वन है। अगर हम वन के लिए कर पाएंगे तो कभी ई दिया होगा तो उसके लिए भी कर पाएंगे। हम लोगों ने रोटेशन में इससे पहले कोफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन वाला कोई भी एप्लीकेशन नहीं किया है। तो यहाँ ये बॉल इस रॉड को टकराने वाली है इलास्टिकली, यानी कॉलिजन भी है और इलास्टिक है। यहाँ इस रॉड को हिंज किया गया है, टक्कर के बाद क्या होने वाला है सबको पता है, नो डाउट। टक्कर के तुरंत बाद ये रॉड इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने लगेगा और इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ v1 की वेलोसिटी आ जाएगी। मैं मान रहा हूं कि इसके अंदर कुछ v1 की वेलोसिटी आ जाएगी क्योंकि ये कॉलिजन इलास्टिक है। तो एक बात पक्की है कि इसके लाइन ऑफ कॉलिजन में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन e टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होना चाहिए। जहां e1 होगा तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मैं कह दूं कि इस रॉड की वेलोसिटी कितनी है, v2 माइनस v1, और e1 वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इस रॉड के इस पॉइंट में केवल ऑब्जेक्ट चल रहा था v0 से और रॉड रेस्ट पे था, ये हम लगा सकते हैं। ये जो लाइन है बेसिकली ये वैलिड है केवल उस लाइन ऑफ कॉलिजन के लिए। उस लाइन ऑफ कॉलिजन के लिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमेशा वैलिड होता है। अभी इक्वल टू वन है, कभी इक्वल टू कुछ भी हो सकता है। तो यार एक नई बात इस क्वेश्चन की ये है, इसके अलावा हम इस रॉड को ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन व्यू में सोच सकते हैं। यानी इसके अंदर VT आएगा, VCM आएगा, प्लस ओमेगा एक्चुअली इसके अबाउट आएगा, मगर हमें पता है ओमेगा चाहे उसके अबाउट सोचे चाहे इसके अबाउट सोचे दोनों सेम होंगे। ये बात मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि CM पे बैठ के जो वेलोसिटी इसके खुद के अंदर आने वाली है वो इसके अंदर नजर आने लगेगी। तो अगर इसके अंदर नजर आने लगेगी तो इस CM पे बैठे आदमी को उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक ओमेगा नजर आने लगेगा और वो ओमेगा सेम होगा। तो अभी इस रॉड का ओमेगा हमें लाना है टक्कर के बाद, तो हमें अभी और ज्यादा उस व्यू में जाने की जरूरत नहीं है। पी पॉइंट के अबाउट ये लगाना आसान होगा, हिंज के अबाउट क्योंकि टॉर्क एक्सटर्नल जीरो है तो एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। शुरू में एम मास के ऑब्जेक्ट के अंदर एंगुलर मोमेंटम था एम वी नॉट और उसके लाइन ऑफ एक्शन से आर परपेंडिकुलर एल, और बाद में रॉड रोटेट करने लगा आई इंटू ओमेगा यानी एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। एक बात, साथ में इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी अभी v1 बाकी है तो मैं लिखूंगा एम v1 इंटू एल। ये इक्वेशन बनेगी प्योर रोटेशनल व्यू के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की। लेकिन प्रॉब्लम है v1 ओमेगा दो अननोन है, कोई बात नहीं। मैं बता दूं कि ये जो v2 अभी हमने माना था वो बेसिकली एल ओमेगा होने वाला है। तो अब हमें दो इक्वेशन दो अननोन नजर आ रहे हैं, क्या इनको सॉल्व करके हम लोग ओमेगा फाइंड आउट कर सकते हैं। v1 की वैल्यू एल ओमेगा माइनस v0 हम लोग वहां पुट कर देते हैं तो v1 का आंसर आ जाएगा। इसके अलावा हमें बात करना है कि इस टक्कर के दौरान इसको कुछ जे का इम्पल्स मिला होगा, तो इस बॉल को भी जे का इम्पल्स मिला होगा। यानी अब हम लोग इस रॉड का लीनियर और रोटेशनल डिस्कशन करने जा रहे हैं जब हम स्प्लिट मोशन में चीजों को देखते हैं। तो क्या इसका लीनियर यानी ट्रांसलेशनल डिस्कशन हम कर सकते हैं? सोचो अगर ये हिंज ना होता, अगर ये हिंज ना होता तो इसके सेंटर ऑफ मास को कितनी वेलोसिटी मिलती, ये बात हम लोग पहले कर चुके हैं। विदाउट हिंज वी प्राइम का आंसर v0/2 आता, एक बात। और अभी अगर मैं बात करूं कि एक्चुअली सीएम को जो वेलोसिटी मिली है vcm, हम ओमेगा की हेल्प से ला सकते हैं l/2 इंटू ओमेगा, सेंटर ऑफ मास l/2 डिस्टेंस पे है और ओमेगा का आंसर 3v0/12 आया है, यानी ये आंसर 3v0/4 आया है, यानी v0/2 से ज्यादा आया है। इसका मतलब है कि इस रॉड को कोई ना कोई इम्पल्स इस टक्कर के दौरान और मिला होगा, उसको मैंने J1 बोला है। ऑब्वियसली यार J1 का मतलब कुछ F1 इंटू T है और J का मतलब F इंटू T है। फिलहाल इम्पल्स को, क्योंकि इम्पल्स ही हमें निकालना है तो हम लोग J1 मान लेते हैं। यानी वेलोसिटी फ्री होता तो v0/2 मिलता, उससे ज्यादा मिला है। इसका मतलब एक इम्पल्स इस रॉड को हिंज से भी मिला है, यानी मैं लिख सकता हूं टोटल इम्पल्स J+J1 इक्वल टू
चेंज इन लीनियर मोमेंटम रॉड का, बल्कि रॉड के सीएम का, यानी एम वी सी एम माइनस जीरो। अभी हम बॉल की बात करें, ये तो रॉड की बात हो गई। अगर हम बॉल की बात करें तो उसे बैक डायरेक्शन में जेवन मिला है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी फाइनल वी वन हो गई, इनिशियल वी नॉट थी, फाइनल ऑब्वियसली कम हुई है तो इसीलिए माइनस है। यानी मैं यहां जेवन की जगह ये अपियर करा सकता हूं एम वी नॉट माइनस वी वन। वी वन हमें पता चल चुका है एल ओमेगा माइनस वी नॉट, और ओमेगा नॉट का आंसर आया था 3V0/2L, यानी ये V0/2 है। तो अगर हमें V1 पता चल चुका है तो हम लोग J ला सकते हैं।